ओ मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? तो मेरा नाम है आंडर्स, आप देख रहे हैं एनआर गेमिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो गाइस, आज मैं ना कैक्टस फार्म बनाने जा रहा हूँ, जो कि 3 मंजिला का होगा। 3 या 2 का रखूँगा सोचता हूँ अभी। और ये मेरी स्किन है, कतई बेकवास लग रही है, हट नुबरी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। मैं आ जाता हूँ फर्स्ट पर्सन में, ओके? जैसा कि आप लोग लिख रहे हो कि मैं आ चुका हूँ फर्स्ट पर्सन में, तो मैं वो कैक्टस फार्म है ना, इधर बनाने वाला हूँ। ये वाली जगह को मैंने थोड़ा एक्सपेंड करके ठीक किया है। और इधर आपको पता होगा तो कैक्टस फार्म था, जो कि आप मेरी पहली वाली वीडियो भी देख सकते हो जिसमें मैंने दिखाया था। तो आज मैं थोड़ा ऑटोमेटिक कैक्टस फार्म बनाने वाला हूँ। इसके लिए मैंने तैयारी भी कर लिया है। बिल्डिंग ब्लॉक्स देख लेता। चलो छोड़ो, वुड से ही बना दूंगा, क्योंकि वुड की कमी नहीं है भाई लोग, बहुत वुड है। लॉग तो देखिए, मैं इसको ना इधर से बनाऊंगा। 3 मंजिला हाइट होगी इसकी, चलो 4 कर लो। और फिर इधर से हमें ये गिन के 11 ब्लॉक ले जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इधर 11 होगा, तो ये 11। सेम इसी तरह इस साइड भी करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसकी टेंशन मतलब मैं इसे मतलब कि कर दूंगा थोड़ा एक्सपांड। इधर का रुको, मैं करके ही दिखाता हूँ। और इधर आएगा एक, ये शायद से मैं गिन लेता हूँ, कुछ ज़्यादा ना हो जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी इधर आएगा। मेरे को पता ही था कि कुछ गलती मैं कर ही चुका हूँ। अब एक नीचे मत गिरी हो, नीचे गिर गया साला, कोई नहीं। चलो देखो, 1, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, अबे नीचे कहाँ लग रहा। 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इधर आ जाएगा 11। सेम इसी तरह इस साइड भी। मेरे को करना क्या है, ये 11 बाई 11 का जो एरिया है ना, इसको मेरे को फिल करना है। तो इधर से 1 लिया, इसे तोड़ देता। रुको, इधर स्लैब लगाता हूँ। स्लैब से की क्या होगा, मतलब नीचे स्पेस ज़्यादा मिलेगी। ओके, मेरे पास है ऑलरेडी स्लैब और थोड़े बना भी लेता हूँ। हो गया, चलो तो ये हो गया। अब इस पूरे को मेरे को, अबे ये क्या हो रहा है भाई आज, क्या सर्वर लैग हो रहा है? पता नहीं गाइस ये क्या हो रहा। ओके चलो, ये हुआ। अबे नहीं, ऐसा नहीं होना। अरे ओ सोना, सोना वाला नहीं लाना है इधर। भाई लोग, आपको मेरी वॉइस कैसी लग रही है आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी वॉइस के साथ वापस से कंटिन्यू करूँ आगे भी, और तो मेरे को कमेंट में बताएं। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो थोड़ी वॉइस भी चेंज हो लगेगी, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी वैसे मैं ठीक कर लूँगा। अरे स्लैब खत्म हो गए, रुक जाओ भाई लोग, मेरा खाना भी नहीं है।
अरे ये क्या हुआ, थोड़े से और। अबे ये क्या बन गया? कोई नहीं होता है ऐसा, जल्दबाजी में ऐसा होता रहता है। और ये मतलब कि सबसे बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा तो बड़ा होगा ही। और इसे भी फिक्स कर लेते हैं, पहले इसमें मैं वाटर डाल के देख लूंगा पानी सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये वाला सेंटर होगा शायद से, लेकिन और भी मैं डाल के देख ही लेता हूँ पूरा। इसीलिए मैंने इधर कल ऑफलाइन में वाटर सोर्स बना दिया था। ऐसे ही आपको चारों कोनों में पानी डालना है। देखो वो रहा बच रहा है ना, वो शायद से सेंटर होगा, वही होगा शायद से क्या। और अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रही है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कोई मेरा पर्सनल रूम या कुछ नहीं है। ये है सेंटर। अब हमें करना क्या है कि फैंस चाहिए होगी थोड़ी बहुत। रुको मैं उधर से लेके आता हूँ थोड़े लॉग्स। वुड की कमी ही नहीं है, बहुत वुड है हमारे पास। और ये ज़ॉम्बी बहुत शोर मचाता है, इसको भी इधर ही रख देता हूँ। कहाँ गया ये सब? चलिए चलते हैं वापस से उधर ही। ये बनने के बाद अच्छा वर्क करेगा देखना, मतलब कि जैसे ही कैक्टस एक ग्रो होगा वैसे ही ये कट के बाहर। तो अब हमें करना क्या है कि सैंड लगानी है। मैं दिखाता हूँ कौन कौन से कोनों में लगानी। ये कोना है, इसके आगे का कोना है ये वाला, इससे एक छोर के एक, फिर इससे भी एक छोर के एक, फिर ऐसे। देखो ये कोना और ये हो जाएगा मैच, मतलब कि ऐसे ही आपको लगानी है। अरे और बाकी ये है ना बीच में होल, उससे ये वाला कोना, ये वाला, ये और ये, बस ऐसे लगा देने का। और फिर करना क्या है कि कैक्टस, कैक्टस तो बाद में लगाते हैं। हाँ देखो ये यूज कर लेता हूँ। अब इधर एक और ये दो, एक दो और इसके ऊपर आएगा तीन, और इधर एक फैंस। और फिर आपको क्या करना, ये जो है ना एक लगाओ, फिर फैंस, फिर एक लगाओ, फिर फैंस, फिर से एक लगा के फैंस। और ये अब जो लगा है ना वो सब निकाल देने का। अबे ये भी टूटने वाला है साला। हो गया, ओ कंप्लीट टाइम पे टूटा। रुको मैं एक पिकेक्स बना के ही लाता हूँ। चल भाई।
ओपन हो जा, एक पिकेक्स दे दे। थैंक यू चचा, इसको हम चचा बुलाते हैं। सेम उसी तरह इस साइड। अबे अबे रुको, मेरे को नहीं आना तुम्हारे साथ। अबे नहीं आना मेरे को, रुको यार, क्या गलत सीन कर रहा हूँ। सेम इसी तरह एक दो तीन हाइट करके फिर एक फैन से दे। अबे अबे मतलब कुछ भी हो रहा। कोई नहीं, हम नीचे से लगा लेंगे, एक इधर और एक इधर और एक इधर। बस इसको हमें कर देना है ब्रेक। जाने दो उस अंदर ही। अब करना क्या है कि हमें कैक्टस लगाने। अबे रुको जे, कैक्टस लगाना, कैक्टस ये रहे जो है ना इधर इधर, ऐसे कैक्टस लगा देने के हैं। ये जैसे ही ग्रो होंगे मतलब टूट के पानी में, और पानी से हमें मिल जाएंगे नीचे। अभी तो मेरे पास हॉपर नहीं है क्योंकि वो वाली बायोम तक अभी मैं पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन डेजर्ट के बाद ही हॉपर मतलब आयरन वाली बायोम आती है। हॉपर बोल रहा हूँ। वाह देखो, हम एक और फ्लोर ऊपर भी बनाने वाला है इधर। इसको मतलब कि ये रहे कुछ, अभी ये नहीं ये चाहिए। ये पहले देख लेता हूँ कि कंप्लीट हाइट है ना, बाद में दिक्कत ना हो। ओके कंप्लीट है। ओके भाई साहब, तो इधर भी हमें सेम चीज करनी। देखो ये पूरा सेम ही करना है, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं करता। आप अपने हिसाब से जो भी लगाना लगा दीजिएगा। ओके मैं पोस्ट कर रहा। तो ओके गाइस, मैंने ये बना लिया है, आप देख के बताओ कैसा लग रहा है। ऊपर थोड़ा काम रह गया है अभी क्योंकि मेरे पास लॉक ख़त्म हो चुका है। कोई नहीं, देखते हैं, मैं कर दूंगा वो ऑफलाइन में। ओके गाइस, अब मैं फार्म कर लेता हूँ थोड़ा। कोको बीन्स आज हम बेचेंगे और कमाएंगे बहुत सारे पैसे। पैसे बोले तो पैसे मतलब कि स्काई ब्लॉक के पैसे हैं, कुछ और पैसे नहीं। रुको मैं इसे पूरा कट करके वापस आता हूँ। ओके एक दो तीन। ओके गाइस हो चुका है, और मेरे पास कितने स्टैक आए, पूरे के पूरे 5 स्टैक, जिसे मैं बेचने वाला हूँ और कमाने वाला हूँ बहुत सारे पैसे। पैसे बोले तो स्काई ब्लॉक के पैसे। यस गाइस चलो चलते। अरे ओ विलेजर चचा, अच्छा पैसे देना। अच्छा भाई इधर नहीं, इधर बैक करो। सेल कोको बीन्स कितना दे रहा, 25,920। मेरे पास कुछ और भी था बेचने के लिए। क्या था क्या था क्या था, कुछ तो था, सच नहीं है। ओके गाइस, मैं ये ज़ॉम्बी फार्म से कुछ एक्सपी कलेक्ट करके फिर हम चलते हैं बो को एंचेंट करना लेवल 2 का। ये देखो फ्लेम वन है ना, उसे एंचेंट करना लेवल 2 का। ओके तो मैं फटाफट से 20 HP कट के आता हूँ XP। ओके गाइस, ये बो के साथ एक सीन हो गया है। ये बो को मैंने फ्लेम 1 एंचेंट दी, लेकिन मेरे को पता ही नहीं, मैं भूल गया साला कि इसमें फ्लेम 2 होता ही नहीं है। भाई ये कहाँ से आ गई, तुझे मरना होगा, तुझे मरना होगा, तुझे मरना होगा। हाँ मर गई मर गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू चचा। तो फ्लेम 2 होता ही नहीं, इसलिए अब मैं न्यू बो बनाऊँगा और उसे एंचेंट कर लूँगा। ओके ऑफलाइन में, क्योंकि अभी तो इतना टाइम नहीं है। चलो आज की आज वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज कुछ नहीं है एज ऑलवेज। ओके बाय बाय।